नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लौटे हैं दिल्ली एनसीआर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पुलवामा हमले में केजरीवाल बोले, प्रधानमंत्री जो भी करेंगे हम सब उनके साथ हैं। लोकसभा इलेक्शन 2019 में दिल्ली लोकसभा सीटों पर दावेदारी के लिए कांग्रेस नेताओं में मची होड़। दिल्ली में जल्द खुलेंगे 3000 कार चार्जिंग स्टेशन, BSES पावर के साथ हुआ करार। दिल्ली के डॉन ने कोर्ट में प्रेमिका संघ की सगाई 20 से ज्यादा हत्या का है आरोपी। पहले ही दिन 1.5 घंटे लेट हुई वंदे भारत एक्सप्रेस, 130 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हुई रफ्तार। अर्पित अग्निकांड में प्राथमिक जांच में फायर और निगम की लापरवाही, दिल्ली पुलिस भी जवाब तलब है। जंतर मंतर पर कश्मीरी युवक ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। करोल बाग होटल हादसे में होटल मालिक व प्रबंधकों से होगी आमने सामने पूछताछ। दिल्ली एनसीआर में आज हो सकती है बारिश, 3 दिन बाद ओलवृष्टि की संभावना। मुरादनगर में झुग्गी के बाहर खेल रही 9 साल की बच्ची को अगवा कर युवक ने दुष्कर्म किया, आरोपी को दबोचा गया। करोल बाग हादसे में 14 और होटलों का NOC रद्द किया गया, अब तक 71 होटलों पर गिर चुकी है गैस। आनंद विहार इलाके में 10वीं कक्षा के छात्र के साथ ट्यूशन टीचर ने किया यौन शोषण। कश्मीरी छात्र ने पुलवामा हमले का किया समर्थन, कॉलेज ने किया सस्पेंड। लोकसभा चुनाव 2019 में दिल्ली को पूर्ण राज्य आपका होगा मुख्य चुनावी मुद्दा। खुलासा हुआ है, दिल्ली के बड़े अस्पतालों में किडनी का काला कारोबार चलता है। युवक ने जंतर मंतर पर लगाए पाकिस्तान के समर्थन के नारे, भीड़ ने जमकर पीटा। पुलवामा में 4 जवान शहीद, सुरक्षा बलों ने जैश कमांडर कामरान सहित 2 आतंकियों को किया ढेर। दिल्ली में फिर हुई दरिंदगी, न्यू अशोक नगर में 10 साल की बच्ची को बनाया दुष्कर्म का शिकार। किडनी रैकेट में आए दिल्ली नोएडा के नामी अस्पतालों के नाम, मचा हड़कंप। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।